ये कहानी एक राजा की है। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, अपनी प्रजा के दुख दर्द में हर समय तैयार रहते थे और भगवान को बहुत मानते थे। उनकी प्रजा भक्ति अपने प्रति भक्ति भाव देखकर एक दिन भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और पूछा, क्या चाहते हो? कुछ मांगना है तो मांगो। राजा ने कहा, वैसे तो सब कुछ आप ही का है, मगर फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसे ही मेरी सारी प्रजा को दर्शन दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर प्रभु सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचकर बोले, ठीक है, आज से 2 दिन बाद शहर के बाहर वाले पर्वत पर मैं आपकी प्रजा को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा ने शहर में मुनादी करवा दी। सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन शहर के नर नारी खुशी खुशी राजा रानी के साथ प्रभु दर्शन के लिए चल पड़े। आगे चलकर देखते हैं कि सामने एक चांदी का पर्वत दिखाई दिया। कुछ लोग लोभवश उधर भागने लगे। राजा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मगर वो नहीं रुके। जो लोग बचे इन्हें लेकर राजा आगे चले ही थे कि सामने एक सोने का पर्वत दिखाई दिया। फिर क्या था, सब लोग उधर भाग गए। बचे तो केवल राजा और रानी। सामने रानी को एक हीरे का पर्वत दिखाई दिया। रानी बोली, महाराज, ऐसे हीरे मैंने कभी नहीं देखे, इनका हार बनवाऊंगी। ये कहकर रानी दौड़ पड़ी। अब राजा अकेले चले ही थे कि सामने प्रभु को देखकर मन ही मन आत्मग्लानि से भर गए। प्रभु ने कहा, राजन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो जिस मतलब से आए थे उनका रास्ते में ही हल हो गया। फिर मेरी क्या जरूरत है, मांगने सब आते हैं, मुझसे मिलने कोई नहीं आता। दर मेरे कोई आता नहीं है, मैं घर घर आना चाहूं कोई बुलाता नहीं है। मतलब दर मेरे कोई आता नहीं है, मतलब दर मेरे कोई आता नहीं है, मैं घर घर आना चाहूं कोई। Oh.
जाता हूँ। अंदर से आवाज देकर पापों से बचाता हूँ। अपनी ही उलझन में यहाँ सब है उलझे। बाप की पीड़ा का बेटा क्या समझे। निकल गया जो समय हाथ फिर आता नहीं है। निकल गया जो समय हाथ फिर आता नहीं है। मैं घर घर आना चाहूं कोई बुलाता नहीं है। इन मतलब घर मेरे कोई आता नहीं है। इन मतलब घर तेरे फिर भी बिगारी।